आज इस मंच से मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने एक फोन किया था और एक हफ्ते के अंदर इन्होंने, हमने जितने पुलिस वाले मांगे उतने पुलिस वाले इन्होंने मांगे, और जो नाम हमने बाय नेम जिन जिन को मांगा इन्होंने तुरंत हम लोगों को दे दिया। दिल्ली के चुनाव से पहले इन लोगों ने एक एड निकाला था, उसमें इन्होंने कहा था केजरीवाल का गोत्र उपद्रवी है, बांसल गोत्र उपद्रवी है। वैसे तो कहा जाता था कि जितने भी बांसल हैं, जितने भी अग्रवाल समाज है, वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन एक साथ दिल्ली के सारे अग्रवाल समाज ने तय किया कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो कई बार मेरे को लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हारने की तैयारी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव के पहले जो जो घटनाएं घटी थी वो सारी घटनाएं अब बिहार के चुनाव में घटित हो रही हैं। दो दिन पहले हमने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह से कह रहे थे 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी के इस तरह से बिहार की बोली लगाने पे बड़ा दुख हुआ। क्या वो बिहार को बेचने के लिए गए थे? क्या वो बिहार के लोगों को खरीदने के लिए गए थे? इस किस्म की भाषा राजनीति में शोभा नहीं देती, और खासतौर से प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अगर पैसा इतना है तो सबसे पहले जंतर मंतर पे जाके वन रैंक और वन पेंशन की डिमांड करने वाले सभी, जब वहां पैसा देना होता है तो कहते हैं पैसा नहीं है, और अब चुनाव के पहले वहां जाके ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब मकसद पैसा देना नहीं है। दिल्ली के विकास में बिहार के लोगों का भारी योगदान रहा है, इसको नहीं नकारा जा सकता। और आज नीतीश कुमार जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार जी ने मुझे बिहार आने के लिए आमंत्रित किया है, मैं उनका आमंत्रण स्वीकार करता हूं। मुझे पूरी यकीन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर इतिहास रचा गया था, इसी तरह से बिहार के लोग भी इस बार इतिहास रचेंगे।